हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और वी आर रेडी फॉर दिल्ली। तो अब हम इंदौर से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। लेट्स सी, अब जो रूट हमने लिया है वो हम अभी तक जो डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग तो हम आगरा होते हुए जाएंगे। दो रूट दिख रहे हैं यहाँ से, रतलाम जयपुर और आगरा, रतलाम जयपुर और यहाँ से ग्वालियर आगरा। तो देखते हैं, अभी तक तो हमने ग्वालियर आगरा चूज़ करा है। लेट्स सी कौन सा बेटर है। तो अभी तक तो हम ग्वालियर आगरा वाले से जा रहे हैं, उसमें हमें 50 मिनट या 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है और वो करीब 40-50 किलोमीटर कम भी है। मिलते हैं फिर आपसे आगे। इंदौर आगरा हाईवे पे और यहाँ से दिल्ली दिखा रहा है 800 किलोमीटर और आगरा करीब करीब 600 किलोमीटर। तो जो नेक्स्ट स्टॉप है उसका पता नहीं है कहाँ लेना है, बिकॉज इस हाईवे में ढाबे या वैसे कुछ रेस्टोरेंट कुछ आइडिया नहीं है कितने हैं कैसे, अभी तक तो कुछ ऐसा अच्छा मिला नहीं है। देखते हैं आगे कहाँ पर रुकेंगे, अगला स्टॉप कहाँ पर लेना है। होटल से निकलने के बाद हमने कुछ ब्रेकफास्ट में खाया था छोटे मोटे ढाबों से और एक घंटा हो चुका हमें निकले हुए और अभी हमने 40 किलोमीटर कवर करा है। देखते हैं अब गाड़ी कहाँ रुकती है और फ्यूल टैंक भी रिफिल करा दिया है। अगला स्टॉप देखते हैं कितनी दूरी पर कितने कब तक लेना है। अभी हमने अपना लंच ख़त्म किया है थोड़ी देर पहले और अब ग्वालियर को पहुंचने वाले हैं। इनफैक्ट ग्वालियर क्रॉस करने वाले हैं हम लोग। बहुत ही बकवास लंच था तो रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया, थोड़ा वो खाना पचने में टाइम ले रहा था। अब हम यहाँ से ग्वालियर को निकल गए थे उधर से हम, तो अभी ग्वालियर क्रॉस कर रहे हैं बाईपास से, ग्वालियर बाईपास से। तो उधर से होते हुए आई गेस मुरैना आएगा, क्योंकि मैप में मुरैना दिख रहा है मुंबई आगरा हाईवे पे, और मुरैना के बाद फिर आगरा आएगा और आगरा के बाद है ना आगरा एक्सप्रेस वे। तो चलते हैं देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। अभी बज रहे हैं 4:15, तो लेट्स सी कब तक आगरा एक्सप्रेस वे पहुँचते हैं। तो हमारा टारगेट तो है कि हम दिल्ली 10 बजे तक पहुंच जाएं। बाईपास में एंटर किया है और अभी दिल्ली, यहाँ से दिल्ली 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। आई गेस ये आगरा बाईपास है जो हमें मथुरा से होते हुए निकालेगा, आगरा एक्सप्रेस वे नहीं है। देखते हैं कहाँ तक जाता है।
तो अभी हम हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे में। हम लोगों ने आगरा में एंटर नहीं किया, आगरा सिटी के अंदर एंटर नहीं किया, हम लोगों ने आगरा बाईपास में एंटर किया, उधर से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पकड़ा और फिर मथुरा वृंदावन क्रॉस करके अभी हम आई गेस फरीदाबाद की तरफ जा रहे हैं। फरीदाबाद से आई गेस ये गुड़गांव को निकलेगा, फिर गुड़गांव से या फरीदाबाद से दिल्ली को निकलेगा रास्ता, देखते हैं कहाँ से जाता है। दोस्तों अभी हमने दिल्ली में एंट्री करी है, अभी हम मथुरा रोड पर हैं। हम लोगों ने पेरिफेरल हाईवे नहीं लिया, हम लोग मथुरा एक्सप्रेसवे से आए, मथुरा वृंदावन एक्सप्रेसवे से आए जब, तो हमने पलवल होते हुए फिर फरीदाबाद और फिर ये मथुरा रोड पे पहुँचे हैं। अब यहाँ से हम लोग अपनी डेस्टिनेशन को जाएंगे, तो हमें जो जाना है वो द्वारका की तरफ जाना है। तो अभी यहाँ से करीब 35 किलोमीटर करीब दिखा रहा है और 1.5 घंटे करीबन का टाइम लगेगा अभी भी हमें वहाँ पे, तो देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं। अभी अभी हम पहुंच गए हैं धौलाकुआं और ये लेफ्ट हैंड साइड में धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे 24/7 और कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं। देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलता है, तो तब घर पहुंचने से पहले यहाँ छोटा मोटा कुछ यहाँ पे खा सके। हमने लंच के बाद नॉनस्टॉप गाड़ी चलाई है और अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है कुछ खाने के लिए। धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन पे आपको फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे जिधर से आप अपने लिए फ़ास्ट फूड या कुछ स्नैक्स आइटम ले सकते हैं। हमने 24/7 से अपने लिए छोटा मोटा स्नैक्स आइटम ले लिया था क्योंकि घर पे ऑलरेडी डिनर बना हुआ है। गाइस हम लोग फाइनली दिल्ली पहुंच गए, बहुत लंबी जर्नी थी ये। हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे और अभी रात के 10 बज रहे हैं, मतलब हम लोग 10 बजे दिल्ली पहुंचे हैं, तो ऑलमोस्ट हमें 16 घंटे लग गए जिसमें हमने 1 घंटे का ब्रेक लिया था और छोटे मोटे कुछ वॉशरूम या लू ब्रेक लिए, तो बहुत थक गए। तो अब रेस्ट करते हैं और अगर टाइम मिला तो आपको दिखाएंगे कि हम दिल्ली किस लिए आए थे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।